अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ईशाज़ रिव्यू। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एवनटोन सी का SPF 45 बॉडी मिल्क, और इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि मैं आप लोगों को क्लियर कर सकूं कि इसको यूज़ कहाँ आप कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते और किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो इसके नाम में ही है इवन टोन, यानी कि आपकी स्किन को इवन करने के लिए। इसके ऊपर जैसे कि लिखा है, लाइटनर है, ग्रेजुअली फेड्स एंड ब्लेमिशेस, स्कार्स, डार्क एरियाज, एज स्पॉट और फ्रैकल्स। ये लाइनें पढ़ के लगता है कि आप इसे अपनी स्किन पे यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके जो एजिंग साइन है उसको ये ख़त्म करेगा। अच्छा, उसके ब्लेमिशेस आपको ख़त्म करेगा, डार्क एरियाज को लाइट करेगा, और स्कार्स वगैरह अगर आपकी स्किन के ऊपर बन गए हैं तो उनको ये ख़त्म करेगा। तो यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन कुछ सुनने में आया, कुछ लोगों ने इसे फेस के ऊपर यूज़ किया तो उनकी स्किन जो थी वो ख़राब होना शुरू हो गई थी, जिसके बाद उन्हें इसको छोड़ना पड़ा। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊं। इसमें जो नीचे रेड कलर में लाइन लिखी हुई है, बेसिकली ये इसी के लिए है, यानी कि अंडर आर्म्स, नेक, इंटीमेट एरियाज, लाइटनिंग मिल्क, यानी कि आपके वो एरियाज़ जो डार्क हो जाते हैं उनको लाइटन करने के लिए, यानी कि जो क्रीम्स वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद जब आपकी ये स्किन्स जो हैं, आपके प्राइवेट एरियाज़ वगैरह जो डार्क हो जाते हैं, उसके लिए ये मोस्टली यूज़ होता है, या फिर आपकी जो एल्बो वगैरह होती है, नी होता है, उसके लिए ये वाला लोशन जो है यूज़ होता है, जिस तरह के इसके ऊपर लिखा हुआ भी है कि ये बॉडी मिल्क है। लेकिन मोस्टली लोग जो है वो इसको फेस के ऊपर यूज़ करते हैं, तो फेस के ऊपर आप इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 7 डेज़ आप इसे यूज़ करें, 7 डेज़ के लिए आप छोड़ दें, फिर 7 डेज़ के लिए यूज़ करें। लेकिन अगर फिर भी आपको स्किन के ऊपर कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम ये बात करें कि वैक्स वगैरह के बाद जो है हमारी स्किन जो है वो डार्क हो जाती है, तो उसके लिए अगर आप लाइटनिंग के लिए कोई प्रोडक्ट चाहते हैं तो अच्छी प्रोडक्ट है, 1700 से 2000 तक में आपको मिल जाएगा, डिपेंड करता है कि आप ख़रीद कहाँ से रहे हैं। तो ये आपको 2000 तक में मिल जाएगा, 1700 से लेकर, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आपकी स्किन्स को। लेकिन अगर आपका बहुत ज़्यादा सारा दिन जो है वो सन एक्सपोजर रहा है, तो भी आप उस दिन स्किन के ऊपर और नेक के ऊपर आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप फेस के ऊपर इसको अप्लाई करना अवॉइड करें, फॉर मैन एंड वुमेन बहुत है। तो आपको मैं ये बताती चलूँ कि मोस्टली इसको जो यूज़ किया जाता है वो बॉडी पे यूज़ किया जाता है, फेस के ऊपर इसको लोग यूज़ नहीं करते। जिन लोगों ने यूज़ किया उनकी यही शिकायत थी कि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आपकी स्किन ख़राब हो जाएगी, लेकिन आपको फ़ील होना शुरू होगा कि शायद मेरी स्किन ख़राब हो रही है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं रेकमेंड करूँ, जिन लोगों को डार्क बॉडी इश्यूज हैं वो उन लोगों के लिए ये बेस्ट है, बॉडी मिल्क है, इसको बॉडी पे ही यूज़ करें। मैं तो यही रिकमेंड कर रही हूँ, मैंने कभी इसको फेस के ऊपर यूज़ नहीं किया, तो फेस के ऊपर मैं इसको रेकमेंड भी नहीं करूँगी। तो अगर टेक्सचर की बात करें तो ये है कुछ इस तरह से, इस तरह से आप इसको करेंगे तो आपकी स्किन में ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, ऑयली ये बिल्कुल नहीं है, SPF 45 के साथ भी है, यानी कि आप इसको बाजू वगैरह पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ वगैरह जा रहे हैं जहाँ सन एक्सपोजर आपका बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको अपनी स्किन के ऊपर अच्छे से अप्लाई करके जा सकते हैं। तो बाजू पर अप्लाई करें, हाथ पर अप्लाई करें, बाकी डार्क एरियाज़ जैसे कि आप नेक पर यूज़ कर सकते हैं और प्राइवेट एरियाज़ पे यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आप नीज़ पे यूज़ कर सकते हैं, एल्बोज़ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फेस पे यूज़ करना इसको अवॉइड करें अगर आपने ख़रीद लिया हुआ है, अगर आपने नहीं भी ख़रीदा तो, क्योंकि फेस की और भी बहुत सी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। फेस पे स्पेसिफिकली आपको यूज़ करना है तो आप कोई और चीज़ ख़रीद सकते हैं। आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया ऑनेस्ट रिव्यू, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी शेयर कीजिएगा, किसी को फ़ायदा हो मेरी बात से, कोई ये प्रोडक्ट लेने के बाद परेशान हो गया हो कि हमारी स्किन तो ख़राब हो रही है, अब हम इसका क्या करें, तो उनको भी मैंने बता दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।